की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया। वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर थाने के पुलिस चौकी तिलक विहार की टीम ने 2 पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद करने के साथ एक्टिव अपराधी भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर सराहनीय कार्य किया है। वेस्ट डीसीपी विचित्र वीर के अनुसार 7 मार्च को पुलिस चौकी तिलक विहार की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार है और वह बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर खेड़ा की तरफ से संतगढ़ की ओर अवैध हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने आ रहा है। एसएचओ विनीत पांडे के मार्गदर्शन और एसीपी सुरेंद्र सिंह राठी के समग्र निरीक्षण में तुरंत ही एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर नरेश के नेतृत्व में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुलसीराम और हेड कांस्टेबल बिरबल शामिल थे। लगभग 7:10 पर खेड़ा की तरफ से आते हुए बिना फ्रंट नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल देखी गई। मुखबिर द्वारा उसी व्यक्ति के रूप में मोटरसाइकिल सवार की पहचान की गई, जिसके बारे में उसने जानकारी दी थी। पुलिस टीम ने तुरंत मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया। उनकी तलाशी के दौरान उनके बैग से 2 पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में बाइक सवार व्यक्ति की पहचान भूपेंद्र सिंह रिहायशी गुरु नानक नगर तिलक नगर के रूप में हुई। जांच के दौरान आरोपी ने खुलासा किया है कि वह बरामद अवैध हथियार और गोला बारूद फरीदाबाद के रहने वाले विक्की उर्फ लम्बू नाम के व्यक्ति से लाया है। इस मामले में तिलक नगर थाना में मामला दर्ज किया गया और अवैध हथियारों के स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।